गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है सितंबर 27, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक्स हम यहां पे करने वाले हैं। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाविक के बारे में। ये मैंने पहले आपको करवाया हुआ है लेकिन बहुत पहले करवाया था, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ खास चेंजेस करने की बात की है और आपके जो मोबाइल कंपनीज वगैरह होती है ना वो यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर रही हैं। तो वो सारा मामला क्या है आपको बताऊंगा। नाविक सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, राइट विंग क्या होता है, लेफ्ट विंग क्या होता है, सेंटर क्या होता है, ये हम लोग बहुत बार न्यूज में सुनते रहते हैं ना कि ये पार्टी वो राइट विंग है, फलानी पार्टी जो है वो लेफ्ट विंग है, लिबरल है। तो थोड़ा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ कंसर्न है यहाँ पे। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं तो थोड़ा सा उसी डिस्कशन को मैं हल्का सा यहाँ पे एक्सपेंड करने वाला हूँ क्योंकि एक्सप्लेनर सेक्शन में आया है तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आता है जब वो एक्सप्लेन पोर्शन के अंदर आता है। टूरिज्म इंडस्ट्री बेसिकली आज का एडिटोरियल सेक्शन है और थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ेंगे टूरिज्म इंडस्ट्री का फ्यूचर, सरकार क्या क्या प्लान कर रही है, कौन कौन सी स्कीम सरकार ने चलाई हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री को लेके इंडिया में कंसर्न क्यों है और अभी इंडिया में क्या पोटेंशियल हो सकता है टूरिज्म का, तो थोड़ा सा हम वो लोग देखने वाले हैं। शिंजो अबे जी के बारे में हल्का सा बात करेंगे। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ये टॉपिक हल्का सा, बट ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बात हम लोग डेफिनेटली कर ही सकते हैं। रिफॉर्म इन जुडिशरी, तो यहाँ पे भी जो है जुडिशरी की ट्रांसपेरेंसी वगैरह के बारे में छोटा सा आर्टिकल है। कुछ इंटरनेशनल न्यूज हैं छोटी छोटी वो थोड़ा हम लोग देखेंगे और थोड़ा सा राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में भी बात करेंगे। एक बार फ्रंट पेज में देख लेते हैं क्या हो रहा है भैया। आज राजस्थान में जो है वो पॉलिटिकल क्लैश काफी चल पड़े हैं दोबारा से। एक तरफ तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं भाई, दूसरी तरफ ये कांग्रेस के एमएलए जो है आपस में ही जुड़ने को तैयार नहीं है, तो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है बेसिकली। लेकिन आप सबको पता है हम लोग सभी चाहते हैं कि इंडिया में एक बहुत स्ट्रांग अपोजिशन होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो किसी की कोलिशन हो, लेकिन एक स्ट्रांग अपोजिशन एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी का निशान होती है। अगर भैया अपोजिशन ही नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी कोई मजा नहीं है ना। चलिए छोटी सी न्यूज है ये, थोड़ा हम लोग बाद में करेंगे। इटली में क्या हो रहा है हंगामा, ये नाविक वाला टॉपिक हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। दलित स्टूडेंट डाइज इन यूपी आफ्टर बीइंग बीटन बाय द टीचर फॉर द राइटिंग रॉन्ग आंसर इन एग्जाम। देखिए इस आर्टिकल के अंदर ये कहीं नहीं कहा गया कि भाई उस टीचर ने इस बच्चे को इसीलिए पीटा था कि वो दलित था, उसने सिर्फ गलत आंसर लिखा है। तो कई टीचर ऐसे थोड़े वायलेंट होते हैं, बचपन में हम भी सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे तो वहां पे टीचर कहीं ऐसे होते थे भाई, ये बहुत बुरी तरह से मारते थे बच्चों को। लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं था, तब मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं थे, वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती थी, सीसीटीवी नहीं होता था। लेकिन अगर हमारे जमाने के टीचर्स को अगर कोई रिकॉर्ड कर लेता ना भाई, एकदम जानवरों की तरह पीटते थे, कहीं तो ऐसे हुआ करते थे। आज तब एक अलग सोच तरीके से सोचते थे हम लोग चीजों को, लेकिन आज उस तरीके से सोचते हैं तो कितना ज्यादा जो है एक तरह से वो वायलेंस ही था वो, और क्या बोलते हैं, जब बच्चों की शर्ट उतार उतार के उनको डंडे मारे जाते थे। मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ, काफी हालत खराब थी। तो ये मतलब लेकिन यहाँ पे जो है कास्ट एंगल देना हर चीज को कि उसने गलत आंसर लिख दिया उसको पीट दिया, हालांकि ये लिखा नहीं है कि इसके अंदर कास्ट की वजह से उसको पीटा है। अगर पीटा है कास्ट की वजह से तो देखिए पीटना अपने आप में ही बहुत गलत बात है, लेकिन अगर किसी बच्चे को कास्ट की वजह से पीटा है उसकी, तो वो तो अल्टीमेटली क्राइम ही कर दिया आपने, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको सजा मिलनी चाहिए, वो तो ऑब्वियस ही बात है। लेकिन सिर्फ उसको इसलिए पीटा है कि उसका आंसर गलत है और फिर आपने यहाँ पे दलित वर्ड का मेंशन किया है, तो मुझे नहीं लगता कि अच्छी अप्रोच होती है न्यूज़पेपर्स के द्वारा। कई बार ये चीज़ें जो है वो डेफिनेटली की जाती हैं शायद वो ट्रैक्शन लेने के लिए, आई डोंट नो, बट एज ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म आई डोंट थिंक सो कि जिन टॉपिक्स के अंदर जो है कास्ट इन्वॉल्व नहीं होती है वहां पे जबरदस्ती कास्ट को घुसाना, रिलीजन को घुसाना, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को घुसाना, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, है ना। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, बाकी आपका अपना विचार हो सकता है। देखिए अभी राजस्थान में शायद ये हुआ था कि एक बच्चे ने, वो दलित बच्चा था, उसने घड़े से पानी पी लिया था तो टीचर ने उसका हाथ तोड़ दिया था। वो इसलिए तोड़ा था बिकॉज वो दलित था। अब वहां पे कास्ट वाला इशू हम लोगों ने न्यूज़पेपर में कवर भी किया था, विच इज सच अ बैड थिंग, है ना, क्योंकि वो कास्ट की वजह से वायलेंस हुआ है। लेकिन जहां पे कास्ट की वजह से वायलेंस नहीं होता है और जस्ट बिकॉज वो पर्सन अदर कास्ट से बिलोंग करता है तो वहां पे मेंशन करना अलग बात है। तो दोनों चीजें अलग अलग हो सकती है यहाँ पे। तो मतलब आप ये सोच के देखें ना, आप मार्केट में जा रहे हो, कोई आदमी मार्केट में जा रहा है और किसी ने उसको जबरदस्ती टक्कर मार दिया सामने से, अब उन दोनों के आपस में लड़ाई हो गई है भाई। वो लड़ाई करने से पहले ये नहीं पूछेंगे भाई तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारे धर्म क्या है, उनकी नॉर्मल लड़ाई हो गई है। लेकिन कल को न्यूज़पेपर में क्या आता है कि अच्छा वो पुराने रिलीजन से पर्सन बिलोंग करता था उसने उसको पीट दिया, वो पुरानी कास्ट से बिलोंग करता था उसने उसको पीट दिया। अरे भाई पीटने से पहले उसने ये नहीं सोचा था कि वो कौन सी कास्ट से धर्म से बिलोंग करता है। तो कई बार हमारे यहाँ न्यूज़पेपर वगैरह में ऐसी चीजें होती हैं, अनफॉर्चुनेट है, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है, थोड़ा सा सेंसिटिव होने की रिक्वायरमेंट है न्यूज़पेपर वगैरह को भी, है ना, क्योंकि इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है अल्टीमेटली लोगों के ऊपर। राजा राम मोहन रॉय जी के आज देहांत हुआ था, बहुत अनफॉर्चुनेट, 27 सितंबर 1883 को, और ये बहुत ओल्ड एज भी नहीं थी इनकी,
बट इनका टाइम से पहले ही देहांत हो गया, और भैया इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन बंगाल रेनेसांस, इंडियन रेनेसांस भी कहा जाता है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। बहुत अपने समय से आप ये समझ लीजिए कि राजा राम मोहन राय जी ने 200 साल आगे पैदा हो गए थे, बहुत बहुत एडवांस सोचते थे, चाहे वो जेंडर इक्वालिटी की बात हो, चाहे वो कास्ट की बात हो, रिलीजन की बात हो, कल्चर एक्सचेंज की बात हो, बहुत बहुत आगे सोचा करते थे। और जिसके लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं ब्रह्मो समाज के लिए जाने जाते हैं डेफिनेटली, और ब्रह्मो समाज जो है वो बिलीव करता है मोनोथिज्म में बिलीव करता है, ठीक है, वो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते हैं, मोनोथिज्म में बिलीव करते हैं, एक गॉड है ना, वन सुप्रीम पावर में बिलीव करते हैं। उसके अलावा इन्होंने कई सारे जैसे हिंदू कॉलेज, वेदांता कॉलेज, सिटी कॉलेज वगैरह की स्थापना भी की थी, और बहुत सारी लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी और बंगाली भी तो खैर थे ही, अरेबिक लैंग्वेज भी जानते थे, बहुत बड़े स्कॉलर रहे थे और जबरदस्त इंसान थे। इनकी जीवनी कभी पढ़ो तो आपको पता चलेगा भाई इंडिया में इतने इतने महान लोग रहे हैं और जिनके बारे में बहुत ज्यादा पता होना चाहिए, बट अल्टीमेटली हमें पता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। चलिए, सेंटर्स पुश फॉर नेविक्स सिस्टम लैंड स्मार्टफोन जायंट्स ऑन द अननोन रोड। देखिए क्या है ना, अभी आपके हमारे मोबाइल फोन के अंदर क्या यूज होता है, जीपीएस सिस्टम यूज होता है ना, आप ओला बुक कराते हो, उबर बुक कराते हो, या कहीं पे आपको जाना है रास्ता लगाते हो तो जीपीएस सिस्टम यूज होता है, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। वो किसका है, वो यूएसए का है, इंडिया का नहीं है, वो यूएसए का है। दुनिया की मोस्टली कंट्री यूएसए का जीपीएस सिस्टम को यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास अपना लोकल नहीं था तो हमें मजबूरी में करना पड़ता था, सीधी सी बात है। लेकिन अभी हमारा खुद का अपना एक सिस्टम हो गया है, नेविगेशन सिस्टम, जिसका नाम है नाविक, और ये कई साल से एक्चुअली वर्किंग में भी है, लेकिन अभी तक इसको मोबाइल फोन में यूज नहीं करते। हाँ, कुछ मोबाइल फोन आए हैं अभी, जैसे ओप्पो, वीवो के, कुछ जाओमी के भी एक दो फोन आए हैं, रेनो वगैरह के, जिनमें यूज होने लगा है ये सिस्टम, लेकिन अभी भी जैसे सैमसंग और ये बड़ी कंपनी एप्पल वगैरह, ये अभी भी जीपीएस का ही यूज करती हैं। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार कह रही है कि भाई बहुत हो गया जीपीएस, आप जीपीएस को यूज करना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलोंग विद जीपीएस इंडिया का नाविक सिस्टम है वो भी यूज करिए। अब ये जो स्मार्टफोन कंपनीज हैं वो वही थोड़ा सा इस मूव को लेके, क्योंकि सरकार ना थोड़ा अग्रेसिवली पुश कर रही है उनको, प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है उनके ऊपर। देखिए होता क्या ना, ये जो नाविक सिस्टम को सपोर्ट करने वाली बात है या जीपीएस को स्ट्रॉन्ग करने वाली बात, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर का फीचर नहीं है भाई, ये हार्डवेयर का फीचर भी है। आपके जो चिप सेट होता है आपके मोबाइल फोन में, या कुछ सिग्नल्स वगैरह के लिए एंटीना वगैरह लगाए जाते हैं, वो उसके हिसाब से लगाए जाते हैं। तो अगर आप नाविक को एनेबल करोगे तो डेफिनेटली आपको उसके अंदर कुछ हार्डवेयर के चेंजेस भी करने पड़ेंगे, नए हार्डवेयर आपको बनाने पड़ेंगे, जिसमें आपकी बैटरी का साइज रिड्यूस आपको करना पड़ेगा, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑफकोर्स मोबाइल की टेक्नोलॉजी है। तो ये स्मार्टफोन कंपनीज थोड़ा सा उसको लेके, यू नो, अभी गवर्नमेंट के साथ इन्होंने कुछ क्लोज डोर मीटिंग भी की थी, क्या उसके अंदर हुआ हमें पता नहीं है, बट या तो थोड़ा सा हमें नाविक के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। तो नाविक की जरूरत सबसे पहले इन्हें को महसूस 2006 में हुई थी, जब सरकार ने थ्योरेटिकली इसको अप्रूव किया था कि भाई हम लोग अपना खुद का बनाएंगे, और 2015-16 तक का हम लोगों ने टारगेट रखा था, और डेफिनेटली वो टारगेट फिर हम लोगों ने अचीव किया। 2016-17 के बाद तो हम लोग प्रॉपरली इसको लॉन्च कर ही रहे हैं, अब तक 7-8 सैटेलाइट को हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। देखिए जीपीएस में यूजली क्या रहता है ना, 24 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टेलेशन होता है, बट 24 से 30-31 तक भी जा सकता है, जिसमें क्या रहता है ना, एक ही प्लेस के ऊपर अलग अलग तरीके से सैटेलाइट जो है वो नजर रखते हैं, और अल्टीमेटली आपको उसकी पोजीशन का पता चल जाता है, राइट, आप कहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आपको पता चल जाता है, क्योंकि 3 से 4 सैटेलाइट आपके ऊपर हमेशा रहते हैं, हमेशा आपके ऊपर नजर रखते हैं, आपकी पोजीशन के ऊपर, आपके मोबाइल फोन के थ्रू। तो इंडिया ने अपना सिस्टम बना दिया कि हमें तो 24-30 की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, क्योंकि हमें छोटा एरिया कवर करना है, जिनको पूरा ग्लोब कवर करना होता है, पूरी अर्थ कवर करनी होती है, उनको ज्यादा सैटेलाइट डालने पड़ते हैं। इंडिया में तो 7-8 डाल दी, हमारे लिए सफिशियंट है, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा नाविक के बारे में क्या है, और देखिए यहाँ पे भी एक ये दिया हुआ है आर्टिकल, हम लोगों ने पहले इसको अच्छे से किया था, बस थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या है, कितनी कवरेज करता है भाई ये कवर, देखिए इट कवर्स इंडिया, इंडिया को कवर करता है, और इंडिया से बाहर जो है 1500 किलोमीटर की टेरिटरी को भी कवर करता है, मतलब ये पाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जो है यहाँ की टेरिटरी को भी डेफिनेटली कवर कर सकता है। उसके अलावा कुछ यहाँ पे इन्होंने कुछ यू नो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है कितना कवर कर सकता है, तो ये डेफिनेटली आप याद कर सकते हो, प्रीलिम्स में मुझे लगता है यहाँ से सवाल आ सकता है। देखिए यूजली जैसे 1500 किलोमीटर वाली इन्फॉर्मेशन है, ये यूपीएससी का पूछ भी सकता है, लेकिन चांसेस कम होते हैं, क्योंकि बहुत सी ऑब्वियस सी इन्फॉर्मेशन होती है। यूपीएससी कई बार 4 स्टेटमेंट में से कैसी स्टेटमेंट देता है जो बहुत ऑब्वियस नहीं होती है, बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं रहती है, उसको थोड़ा सा आपने पकड़ना है। और ये जो फैक्ट है बेसिकली इसरो की वेबसाइट पर दिया हुआ है, बाकी अगर आप पढ़ोगे इंटरनेट पर ना इधर उधर ये फैक्ट आपको मिलेगा नहीं। तो सैटेलाइट हम लोगों ने अभी 8 सैटेलाइट वहाँ पे डाल रखे हैं, कई सारे न्यूज़पेपर में 7 आर्टिकल भी कहा, सैटेलाइट भी कहा है, बट इसरो ने उसको 8 लिखा हुआ अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो
इसरो वाला ही मानेंगे हम लोग डेफिनेटली। हालांकि इसमें यह है कि इसमें से टोटल तो 9 सैटेलाइट होने हैं, जिसमें 7 सैटेलाइट इस समय ऑर्बिट के अंदर है और 2 सैटेलाइट जो है वो हम लोगों ने स्टैंड बाई मोड पे रखे हुए हैं कि बाई चांस वो खराब हो गए, काम करना बंद कर दिया, तो उनको तुरंत हम लोग यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। तो इस तरह से रहता है। इसमें से हमारे पास जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी कुछ है और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भी जो है हमारे पास कुछ सैटेलाइट डाल रखे हैं। तो 4 जो है वो जियो सिंक्रोनस में है और 4 जो है वो जियो स्टेशनरी के अंदर होते हैं। जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में डेफिनेटली आप थोड़ा सा गूगल करके पढ़ सकते हो। मेरा भी ध्यान नहीं रहा तो, क्योंकि मैंने पहले आपको 3-4 बार ये करवाया हुआ है, मैं स्लाइड आपको डाल सकता था। अगर आपके पास स्लाइड नहीं है जियो सिंक्रोनस वाली, जियो सैटेलाइट वाली, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, तो अगर आप बताओगे आपको रिक्वायरमेंट है तो कल वाली स्लाइड में मैं डेफिनेटली आपको ऐड कर दूंगा। हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ जियो स्टेशनरी क्या होता है। देखिए, स्टेशनरी का मतलब होता है फिक्स। ये जो सैटेलाइट होते हैं ना, इनकी पोजीशन फिक्स होती है, ठीक है। ये हमेशा आपके सर के ऊपर खड़े रहते हैं। सुबह 6 बजे देखो, शाम को 6 बजे, रात को 12 बजे, हमेशा आपके सर के ऊपर रहते हैं। इसे ये मतलब अर्थ के किसी पॉइंट के ऊपर हमेशा फिक्स रहते हैं। इन्हें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। एक होते हैं जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस घूमते रहते हैं लेकिन एक ही पॉइंट पे वो दिन में एक बार कम से कम आते हैं। जैसे मान लो 2 PM, तो ये कोई सैटेलाइट है वो 2 बजे रोज आपके सर के ऊपर आके आपको पोजिशन फिक्स कर देता है, और ये वाले 24 घंटे करते हैं ऊपर वाले। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है दोनों में। इसको बारे में डिटेल में हम लोग वाले बात अच्छे से कर चुके हैं और काफी बढ़िया एक्यूरेसी है भाई इसकी। सिर्फ 10 मीटर से ही पूरी डिटेल दे देता है, मतलब वो ज्यादा क्लियर पिक्चर आएगी, बेटर पोजीशन में आपको बता सकता है। जैसे भी अभी सुबह जो है मेरा एक फ्रेंड आया हुआ था, उसने अभी ओला कैब किया था, तो उसकी कैब जो है वो 30-40 मीटर जो है वो दूर आई घर से। उसने बोला कि सर आप इतना दूर किया, मेरे घर के सामने आओ ना। उसने बोला सर पोजीशन नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो GPS का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप नाविक का यूज करते हैं ना, तो बिल्कुल आपके घर के दरवाजे के सामने आपको पोजीशन मिलती, ज्यादा एक्यूरेट है बेसिकली GPS से। ये थोड़ा को समझना पड़ेगा। और जो थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है वर्ल्ड में, जो कि मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी को अलाउ करता है, परमिशन देता है ये पूरा सैटेलाइट सिस्टम का यूज करने के लिए, उसने भी नेविक को अप्रूव कर दिया है। और वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम ने भी 2020 में ही इसको अप्रूव कर दिया था। एक्चुअली क्या है ना, अभी इंडिया के अंदर जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसके अंदर तो नाविक को मैंडेटरी कर ही दिया गया है। इंडिया के अलावा और कंट्रीज अलग अलग सिस्टम का यूज करती हैं। जैसे भाई GPS तो आपको पता ही है, USA का है। इसके अंदर ओवरऑल 31 सैटेलाइट होते हैं। जरूरत तो 24 की होती है, लेकिन वो लोग कई बार ना एक्स्ट्रा डाल देते हैं, पैसा फालतू है ना उनके पास, इसलिए डालते हैं। और ये ग्लोबल अप्रोच करता है, ठीक है। और पहला सैटेलाइट 1978 में लॉन्च किया गया था, और एक सैटेलाइट की एज जो है वो जो है 10 ईयर्स तक हो सकती है। प्रिसीजन इसका 5 मीटर है, लेकिन वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से अलाउ करते हैं। इंडिया में जो है 5 मीटर का प्रिसीजन हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। ग्लोनास जो है वो रशिया का है, इसके अंदर 24 सैटेलाइट होते हैं। ये भी ग्लोबल कवरेज करता है। 1982 में सबसे पहली बार इसको डाला था। गैलीलियो जो है वो यूरोपियन यूनियन का है, इसके अंदर 40 सैटेलाइट्स हैं। अभी ऑर्बिट के अंदर सिर्फ 10 हैं, बाकी ओवरऑल 40 माने गए हैं। 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। बीडू जो है ये चाइना का है, चाइना वाले तो वैसे बीडू ही रहते हैं। इनका 35 सैटेलाइट है, अभी 20 ऑर्बिट के अंदर होते हैं। ये भी ग्लोबल कवरेज करता है, ठीक है। और फिर IRNSS जो इंडिया का है, ऑफ कोर्स नाविक जिसको बोलते हैं, और ये तो भैया इंडिया का है ही, और 1500 किलोमीटर की कवरेज करता है वो एरिया वाइज। और 7-8 सैटेलाइट अभी हम लोगों ने ऑर्बिट के अंदर डाले हुए हैं। 2013 से में सबसे पहला हम लोगों ने लॉन्च किया था, और एक एक सैटेलाइट की जो एज है वो 12 साल की वहाँ पे मानी गई है। तो ये थोड़ा सा आपको नाविक के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा कंपैरिजन आपको देखना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे GPS और नाविक का कंपैरिजन डेफिनेटली देख सकते हो। एप्लीकेशन की जब बात करें तो सीधी सी बात है, क्योंकि नेविगेशन सैटेलाइट है तो सीधी सी बात है भैया नेविगेशन ट्रैवल उसके साथ ही डील करेगा, राइट। तो टेरेस्ट्रियल, एरियल और मरीन। अच्छा, इसमें यह रहता है कि नाविक के अंदर 2 चीजें हैं। एक है आपके पास स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस और एक आती है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। स्टैंडर्ड प्रोसीजर पोजिशनिंग जो सर्विस होती है वो आम आदमी के लिए होती है, जैसे हमारे मोबाइल फोन वगैरह में यूज होगी। लेकिन जो रिस्ट्रिक्टेड सर्विस है वो सिर्फ मिलिट्री के लिए होती है। अभी हम लोग GPS का यूज करते हैं, ठीक है, मिलिट्री के पर्पज से, तो हम आत्मनिर्भर नहीं है अभी उस हिसाब से, तो इसमें हम लोग आत्मनिर्भर भी यहाँ पे डेफिनेटली हो सकते हैं। बाकी आपके जो मोबाइल चिपसेट वगैरह हैं वो मैं नाविक का यूज करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। अभी सरकार इसलिए बोल भी देगी, कुछ मोबाइल फोन का यहाँ पे जैसे रेडमी, ज़ियोमी, रियलमी ये भी यूज करते हैं नाविक का, आप कर सकते हो डेफिनेटली। तो ये कुछ कुछ चीजें करके हैं जो डेफिनेटली आप यहाँ पे नाविक के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने थोड़ा समय इसके ऊपर ले दिया है क्योंकि आई थॉट कि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कई सारे स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जो पहली बार प्लेटफॉर्म पे आए हैं जिन्होंने इसको पहले नहीं पढ़ा होगा। चलिए जी, अ पार्टी विद नियो फासिस्ट रूट्स, ब्रदर्स ऑफ इटली सेट टू फॉर्म नेक्स्ट जनरेशन। फासिस्ट आपको पता होगा ना, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर मुसोलिनी ने आपने पढ़ा होगा। तो हिटली और मुसोलिनी दोनों दोस्त हुआ करते थे भाई, और दोनों लोगों ने आतंक मचाया, हिटली और मुसोलिनी और जापान,
जापान के जो किंग हुआ करते थे, ठीक है, तीनों ने जो है वर्ल्ड वॉर थ्री में जो आतंक मचाया सबको पता ही होगा। अब उसमें क्या है ना, उनकी जो पार्टी थी वो जो फासिस्ट उनको बोला जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इटली के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुसोलिनी को सपोर्ट करते हैं, और मुसोलिनी जो है एकदम एक्सट्रीम राइट विंग पॉलिटिशियन था, एक राइट विंग जो है वो एक लीडर था जो सिर्फ और सिर्फ इटली के बारे में बात करता था। उसका मानना था कि भाई इटली दुनिया का बेस्ट है और इटली के बारे में हमें सब कुछ करना चाहिए, तो उन्हें राइट विंग कहा जाता है, लेफ्ट विंग थोड़ा सा इसलिए आपको बता देता हूँ। इटली के अंदर जो है बहुत समय से लिबरल गवर्नमेंट चल रही थी वहां पे वो सब चीजें करके, अभी इटली के अंदर इलेक्शन हुए हैं तो यहाँ पे एक एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि काफी ज्यादा राइट विंग है, एक्सट्रीम राइट विंग है, ठीक है, वो पावर में आ गई है। तो इससे पता चलता है कि भाई यूरोप के अंदर धीरे धीरे अभी राइट विंग पॉलिटिशियंस की ग्रोथ हो रही है, चाहे आप बेल्जियम में देख लो, चाहे आप पोलैंड में देख लो, चाहे आप फ्रांस में देख लो, चाहे आप जर्मनी में भी अभी कुछ ना कुछ हो ही रहा है इसके बारे में, और अभी इटली में। तो धीरे धीरे यूरोप जो है वो राइट विंग की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए हमें थोड़ा पता होना चाहिए राइट विंग क्या होता है, लेफ्ट विंग क्या होता है। वैसे तो आप यहां से भी पढ़ सकते हो थोड़ा, देखिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ना बहुत ज्यादा हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, राइट विंग लेफ्ट विंग सेंटर लिबरल थोड़ा सा ओवरलैप करता है, बट मोटे मोटे तौर पे आप हल्का फुल्का अंदाजा लगा सकते हो। देखिए वैसे ना शुरुआत कहां से हुई थी, शुरुआत हुई थी फ्रांस से, ठीक है। अब जब फ्रांस में ना जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो डेफिनेटली आम आदमी जो है वो फ्रीडम की बात करते थे, फ्रेटर्निटी लिबर्टी है ना वो सब बातें करते थे, ह्यूमन राइट्स वगैरह वो सब। तो उसमें क्या होता था, जो राजा था ना वहां का जो किंग था लुइस, उसको गद्दी से उतार दिया था लोगों ने, उतार के फेंक दिया था। तो कुछ लोग ऐसे होते थे जो किंग को सपोर्ट करते थे, वो चाहते थे कि भाई जो किंगडम है वो बना रहे, और कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे भाई हमें सिविल लिबर्टी मिले, मतलब आम आदमी को बेनिफिट मिले, लिबर्टी वगैरह मिले। तो डेफिनेटली सीधी सी बात है भाई, जो राजा को सपोर्ट करते थे वो कौन थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, चर्च थे, है ना, वो सब हुआ करते थे। यहाँ पे आम आदमी जो आपके जैसे मेरे जैसे हुआ करते थे। तो बात यह थी, जब राजा का दरबार लगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में, तो हुआ ये, कुछ लोग ऐसे थे जो किंग को सपोर्ट करते थे, वो किंग की राइट साइड में बैठे, राइट वाले साइड में बैठे होल के, होल होता ना बहुत बड़ा, और जो चाहते थे कि भैया रिफॉर्म हो, ठीक है, वो जो है लेफ्ट साइड की तरफ बैठे। तो जो राइट साइड की तरफ बैठे ये चाहते थे स्टेटस को बना रहे, स्टेटस को मतलब जो चीजें हैं वैसे ही रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है कंजर्वेटिव, ठीक है। तो कंजर्वेटिव राइट विंग स्टेटस को एक ही बात है, तो जो चाहते हैं कि जो सिस्टम एस्टेब्लिश हो चुका है उसके साथ छेड़खानी ना करें। लेकिन जो लेफ्ट में बैठे थे ये किसकी बात करते हैं, रिफॉर्म्स की बात करते हैं, ठीक है, ओपन आइडियाज की बात करते हैं, उसके बारे में बात। तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में हल्का सा पॉलिटिकल, तो वहां से चीजें शुरू हुई। अभी हम लोग 100% नहीं कह सकते कौन लेफ्ट है कौन राइट है, क्योंकि डिपेंड करता है सोसाइटी के ऊपर, और खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो चीजें काफी ब्लर हो जाती हैं यहाँ पे। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, लेफ्ट विंग जो है वो काफी लिबरल होते हैं, जो ये कहते हैं कि भाई कोई कास्ट नहीं होनी चाहिए, कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, कोई क्लास नहीं होनी चाहिए, लेफ्ट विंग उसके बारे में बात करते हैं। जैसे इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ठीक है, लेफ्ट विंग है, दे ऑलवेज से कास्टलेस सोसाइटी, है ना, क्लासलेस सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। वहीं जो राइट विंग होता है वो कंजर्वेटिव होते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो चीजें हैं वो डेफिनेटली रहनी चाहिए। लेफ्ट विंग ये कहता है कि आम आदमी की जो जिंदगी है, ठीक है, उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, और उसको इंप्रूव करने के लिए जो है स्टेट यानी कि सरकार, यानी कि सरकार गवर्नमेंट, उसका रोल जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन जो राइट विंग है वो कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं नहीं, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट का रोल कम से कम होना चाहिए आम आदमी की जिंदगी में, ठीक है। तो ये लोग जो है लो टैक्स की बात करते हैं, लो रेगुलेशन की बात करते हैं, लेकिन जो लेफ्ट विंग है वो ज्यादा रेगुलेशन की बात करता है। वो कहता है कि भाई चीजें प्राइवेट सेक्टर को बेसिकली सपोर्ट नहीं करते हैं, ये चाहते हैं कि हर चीज सरकारी होनी चाहिए, आम आदमी की जो जिंदगी है वो सरकार के डिसीजन से इंपैक्ट होनी चाहिए। ये वाले कहते हैं राइट विंग वाले नहीं, ओपन होना चाहिए, सरकार का कंट्रोल कम से कम होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को इंप्रूव करना चाहिए। जैसे क्लियरली जैसे आप यहाँ पे बीजेपी को देख सकते हो, ठीक है, इंडिया जो है वो बीजेपी की काफी ज्यादा जो स्कीम और जो पॉलिसीज होती है वो राइट विंग की तरफ होती है, कुछ चीजें जो है वो लिबरल भी यहाँ पे देखी गई है, क्योंकि इतना ज्यादा हम लोग इनको सेपरेटली डेफिनेटली करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इंडिया वाली सोसाइटी में। तो लेफ्ट विंग जो है वो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, प्रोग्रेस, रिफॉर्म जो है सोसाइटल रिफॉर्म्स की ज्यादा बात करते हैं, जबकि राइट विंग जो है वो हायरार्की, कल्चर, ट्रेडिशन, नेशनलिज्म, अथॉरिटी, इनमें ज्यादा जो है बिलीव किया जाता है। और राइट विंग जो है वो रोमांटिक नेशनलिज्म की बात करता है, अपने पुराने कल्चर के प्राउड की बात करता है, और मतलब है ना अपनी लैंग्वेज, रेस, कस्टम,
उसके बारे में बात करता है। और लेकिन जो लेफ्ट विंग होता है वो ज्यादातर सोशल इक्वालिटी, सोवरनिटी, लिबरेशन, ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, ऐसी चीजों के बारे में जो है वो बात करता है और ज्यादातर जो है रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता है। जबकि राइट विंग जो है वो ऑफकोर्स कल्चर, हिस्ट्री, उसके ट्रेडिशन, कस्टम्स और रिलीजन के बारे में बात करता है। लेफ्ट विंग कहता है कि भाई रिलीजन और स्टेट दोनों बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए, इनका आपस में कोई लेना लेना देना नहीं होना चाहिए। जबकि राइट विंग कहता है कि नहीं, रिलीजन के बिना स्टेट नहीं है, स्टेट के बिना रिलीजन नहीं है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आप देख सकते हो जैसे इंडिया में, जैसे हमारे यहाँ पे कांग्रेस है, कांग्रेस एक्चुअली सेंट्रिस्ट पार्टी है, दोनों के बीच में आती है। कुछ पॉलिसीज कांग्रेस की जो है वो थोड़ी राइट विंग की तरफ जाती है, थोड़ी ज्यादा पॉलिसी गवर्नमेंट कांग्रेस की जो है थोड़ी, उसे हम ना लेफ्ट सेंटर कहते हैं कांग्रेस को बेसिकली। और हालांकि कांग्रेस की ऐसा कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ना वो लेफ्ट विंग है ना वो राइट विंग है, तो थोड़ा बीच में बिलोंग करती है। जबकि बीजेपी ऑफ कोर्स प्रॉपर राइट विंग कह सकते हो आप, 90% राइट विंग है। और जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है तो उसका तो नाम ही कम्युनिस्ट है, तो वो तो लेफ्ट विंग ऑफ कोर्स अपने आप ही हो गया। तो कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ पे हल्का सा आइडिया होना चाहिए और एग्जाम में पूछ भी सकता है, पहले पूछा भी गया है, आप इंटरव्यू वगैरह में काफी पूछ लेते हैं इन चीजों को, ठीक है। चलिए, मजा आया मुझे इस आर्टिकल में, करने में मजा आया, करवाने में मजा आया, पढ़ने में मजा आया, आपको बताने में मजा आया। आपको अगर अच्छा लगा हो आप इसके अंदर कुछ अपना इनपुट डाल सकते हो, आपको लगता है कि हाँ सर ये चीजें हम आपने कहीं पढ़ी हुई हैं, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप भी हमसे बात कर सकते हो। क्योंकि देखिए ये लर्निंग प्रोसेस है ना, थोड़ा सा मैं आपसे सीखूंगा, थोड़ा आप मुझसे सीखोगे, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। चलिए, ये छोटे छोटे सारे कहना, दो दो सेकंड के, क्यूबा ग्रांट्स नो टू सेम सेक्स मैरिज। तो क्यूबा जो है वो लेटेस्ट कंट्री बन चुका है जो कि सेम सेक्स मैरिज जिन्होंने अलाउ कर दिया है। तो वहां पे रेफरेंडम हुआ था, रेफरेंडम में जो है आम जनता वोट डालती है, रेफरेंडम में जो है वो पार्लियामेंट के अंदर कानून वानून पास नहीं होते हैं, वो जनता से ही वोट मांगी जाती है डायरेक्ट। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट होता है रेफरेंडम, ठीक है, थोड़ा आपको पता होगा। तो ये है हुआ पूरा वहां पे, तो सेम सेक्स मैरिज जैसे मैन मैन, वीमेन वीमेन जो है आपस में शादी कर सकते हैं। बाकी 11 चिल्ड्रन अमंग 15 डेड, भैया रशिया के स्कूल में शूटिंग हुआ है, वहां पे लोग परेशान हैं, इकोनॉमिकल हालत काफी खराब है, इमोशनल सपोर्ट है नहीं, जबरदस्ती रशिया वाले भर भर के जो है सोल्जर्स डाल रहे हैं आर्मी के अंदर, लोग रशिया से भाग रहे हैं, ठीक है, तो टेंशन तो है ही ऑफकोर्स। तो वहां पे एक स्कूल में शूटिंग हुआ अनफॉर्चुनेटली और 15 लोग मारे गए, और जिस आदमी ने वहां पे शूटिंग किया वो उसी स्कूल से पढ़ा हुआ था, ये भी एक सोचने वाली बात है। खैर, ये अमेरिका में इस तरह के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं हमें, लेकिन रशिया में भी जो है चीजें होती हैं। पुतिन ग्रैंड स्नोडन रशियन सिटीजनशिप, तो फाइनली मिल गया है रशिया की सिटीजनशिप स्नोडन को। स्नोडन का आपको पता ही होगा, एक विसल ब्लोअर थे जिसने ये बताया था कि अमेरिका के अंदर एक प्रोग्राम चलता है प्रिज्म नाम का, और जिसमें वो अपने सिटीजन, सिर्फ अपने सिटीजन नहीं बल्कि दूसरे के सिटीजन्स को भी जो है वो ट्रैक करता है, उनके मैसेज पढ़ता है, उनकी कॉल सुनता है और सर्विलियंस करता है। तो वो इन्होंने 2013 के अंदर किया था, और बराक ओबामा की सरकार वगैरह भाई हिल गई थी सरकार बराक ओबामा की। पहले तो बराक ओबामा ने माना नहीं ऐसा कोई प्रोग्राम भी है, लेकिन जब एविडेंस दिया गया तो भाई वो सॉरी मांगते फिरे दुनिया भर में, आज तक सॉरी मांग रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम शायद अभी बंद नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है कि वो प्रोग्राम माना जाता है, अभी भी चल रहा है। तो अमेरिका दुनिया भर की लिबर्टी की बात करता है ना, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, लेकिन अपने ही सिटीजन्स को जो है सर्विलेंस करता है, हर टेक्स्ट मैसेज और हर मोबाइल कॉल उनकी सुनी जाती है। वो कहते हैं भाई ये तो हम लोग टेररिज्म के लिए कर रहे हैं, स्टेट्स नेशनल सिक्योरिटी वो सब उसके लिए कर रहे हैं, बाकी दोगलापन तो हर जगह है ही दुनिया में। चलिए, लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल सुप्रीम कोर्ट डिक्स। तो किसी ने आरटीआई डाली थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये कहा कि सर आप कब से लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू करोगे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स का। तो उन्होंने कहा है जल्दी करेंगे, और बिल्कुल स्ट्रीमलाइन है, अभी कुछ महीने में ही स्ट्रीमलाइन शुरू हो जाएगा लाइव स्ट्रीमिंग का। ये जो मैंने साइड में दो आर्टिकल दिए हैं ना, बेसिकली ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। दो तीन दिन पहले एक स्टूडेंट थे मेरे, पुराने स्टूडेंट, और वो उन्होंने LLB किया था, और ये लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है। देखिए अभी भी कुछ हाई कोर्ट्स हैं ऐसे इंडिया में जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं प्रोसीडिंग्स वगैरह को, तो देख रहे होंगे लाइव स्ट्रीमिंग। वो UPSC की तैयारी करते थे, वो बच्चा जो है बनारस से बिलोंग करता है, UPSC की तैयारी करता है, और उसने एक दो बार मेंस भी लिखा है, और उसने जब LLB है तो उसने जब ये देखा लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब के ऊपर, तो कहने लगे सर मैं बड़ा दुखी हो गया, परेशान हो गया कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना वीडियोज वगैरह को, IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर को बिल्कुल डांट देते हैं जज ना। हम लोग सोचते हैं कि IAS ऑफिस IAS IPS का कितना भोगाल होता है ना, YouTube पे दुनिया भर की वीडियो देखते हैं उनके लिए, एंट्री वीडियो पीछे वो गाना लगा के हनी सिंह का, और अलग तरह के जो गाने होते हैं, लेकिन जज सब डांट रहे हैं उनको,
सर हम डांट रहे हैं एकदम से, और वो बेचारे आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर ऐसे बोल भी नहीं पा रहे हैं जज साहब के सामने। तो स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर ये देख के ना मेरा दिल बड़ा दुखी हो गया और मैंने डिसाइड किया है कि मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं करूंगा, मैं ना जुडिशरी की तैयारी करूंगा क्योंकि अल्टीमेटली पावर जो है वो जुडिशरी के पास है। उन्होंने एक्चुअली तैयारी छोड़ दिया है, उन्होंने जज की तैयारी करना शुरू कर दिया है बिकॉज ही वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट और ही वॉज अ यूनिवर्सिटी टॉपर एज वेल जब वो एलएलबी कर रहे थे। तो मैं ये आपको इस कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि आप ऐसी चीज़ों से इन्फ्लुएंस मत हुआ करो। आपने आज यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे कुछ देख लिया, आपने अपने लाइफ का पूरा डिसीजन चेंज कर दिया, कल को कुछ और देख लोगे आप डिसीजन उसको चेंज कर दोगे। देखिए हर बॉस के ऊपर एक बॉस होता है, ठीक है, तो आप हमेशा ये सोचोगे दुनिया में आप टॉप पे बन जाओगे फिर तो भैया पॉलिटिशियन बनो सीधा पीएम बनो, उससे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन हर चीज के लिए एक मर्यादा होती है, हर चीज की अपनी एक चीज होती है। अगर आप कहीं किसी भी पोजीशन पे हो, चाहे आप बस कंडक्टर हो, पीयून हो, पीएम हो, डजंट मैटर, अगर आप अपने काम ऑनेस्टली से करते हो, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हो, तो कोई आपको डांट नहीं सकता, कोई आपकी जो है चीजों को आपको आपको सप्रेस नहीं कर सकता आपकी फीलिंग्स को। यही बात है, ऑनेस्टी से बने रहें, क्योंकि जो आदमी बेईमान होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, काम अपनी ऑनेस्टी से नहीं करता है, तो डेफिनेटली वही आदमी डरता है। सच्चाई को डरने की जरूरत नहीं है। तो आप जो भी डिसीजन आपने लिया है बढ़िया लिया है, अपनी तैयारी अपने मन से करते रहो और ऐसी तरह की वीडियोज को देखें, इन्फ्लुएंस मत हुआ करो भाई। वो तो जज है ना, वो तो किसी को भी डांट, वो तो सीएम को डांट मार देते हैं, पीएम को डांट मार देते हैं, जुडिशरी का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया हुआ है ये, है ना, वो तो करेंगे ऑफकोर्स। तो आप अपने काम में टिके रहो, कोई बात नहीं, अगर गलती करते भी है तो सॉरी बोलने की ज्यादा हर्ज नहीं है, ठीक है। डांट पड़ती है, क्या दिक्कत है, हायर अथॉरिटी से हमेशा डांट पड़ती है, बचपन में मम्मी पापा से डांट पड़ती है ना, तो क्या दिक्कत है। आप ऑफिसर बन गए तो डांट नहीं पड़ेगी क्या, अभी भी किसी के लिए तो छोटे ही हो ना आपकी पोजिशन, तो नॉर्मल सी बात है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस मत हुआ करो। चलिए जी, अब पुश फॉर द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ये हम लोगों ने दो तीन दिन पहले भी टॉपिक किया था कि सरकार ने जो है पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दिया है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए, और सोलर पैनल के लिए भी दिया है, वो भी हम लोगों ने किया था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी दिया है। सरकार चाहती है कि यार ये चीजों की प्रोडक्शन ना इंडिया में हो, इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, एक आत्मनिर्भर भारत की हम लोग बात करते हैं, है ना, हमें चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, उन सारी चीजों के लिए सब किया जाता है। तो सेमीकंडक्टर के बिना तो, जिसे हम लोग फोर्थ रेवोल्यूशन कहते हैं ना, फोर्थ रेवोल्यूशन मतलब डिजिटल रेवोल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। अब इसके सेंटर में ये है, एक छोटी सी चिप है, है ना, आपका रेडियो, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लैपटॉप, हर चीज के अंदर भाई ये सेमीकंडक्टर चिप होती है। आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है, आपके जो स्विंग वॉशिंग मशीन होती है, सबके अंदर ये होता है सेमीकंडक्टर। इसी से दुनिया चल रही है आज के टाइम में। इसमें जो है आईसीज होती हैं, जिसे हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं, और सेमीकंडक्टर चिप होती है, सिलिकॉन की चिप होती है, प्रोग्रामिंग होती है इसके अंदर, और लाखों सर्किट्स होते हैं छोटे छोटे जो पूरी चीजों को कंट्रोल करते हैं, प्रोग्रामिंग होती है। तो ये रीढ़ की हड्डी है बेसिकली, अगर आप डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हो, सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है करंटली जो है 500 से लेकर 600 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, और आने वाले समय में डेफिनेटली और ज्यादा होने वाली है। तो लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर छोटे छोटे और आईसी सर्किट बनाने की जो टेक्नोलॉजी है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, इतना आसान नहीं है इसको डिजाइन करना, इसको बनाना, ये सर्किट करना, बहुत बहुत हाईली डेलिकेट और हाईली कॉम्प्लेक्स ये टेक्नोलॉजी है, और इंडिया के पास अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है। तो इस समय जैसे साउथ कोरिया, ताइवान, यूएसए, थोड़ा बहुत चाइना, ठीक है, वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लीड कर रहा है। 90% ऑफ 5 nm जो नैनोमीटर भी छोटी छोटी जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती है, भैया ताइवान का कंट्रोल है, ताइवान की कंपनी है TSMC, 90% स्मॉल चिप्स का वो प्रोडक्शन करती है। तो सोच सकते हो कि दुनिया अगर ताइवान नहीं होगा तो क्या होगा। और बेसिकली जो अमेरिका और चाइना के बीच में जो ताइवान को इशू चल रहा है, उसके बीच में कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर भी है, क्योंकि अगर ताइवान के ऊपर कंट्रोल हो जाता है चाइना को, तो पूरा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो चाइना के हाथ में चला जाएगा, और अमेरिका इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, सीधी सी बात है, दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो ताइवान बहुत सेंसिटिव चीज है, ठीक है। तो वट आर द चेंजेस टू द इंडिया चिप मेकिंग स्कीम, तो सरकार ने जो है 2021 में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम दिया था, जिसमें उन्होंने 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने की बात कही थी, ताकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो एनकरेज हो सके, ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सके। और क्योंकि इंडिया में ही 2026 तक माना जा रहा है कि 70 से 80 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री हो जाएगा, तो इंडिया कहीं ना कहीं चाहता है कि हाँ भाई होना चाहिए। तो 2021 के अंदर जो स्कीम आई थी, उसमें यह कहा गया था कि अलग अलग साइज की जो नैनो चिप्स होती हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, उनको अलग अलग तरह का सब्सिडी देंगे। लेकिन अभी क्या किया सरकार ने 2022 में, इसके अंदर चेंजेस कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई किसी भी साइज की सेमीकंडक्टर हो, हम उन पे 50% जो है सपोर्ट देंगे आपको, बस आप मैन्युफैक्चर तो करिए ना, क्या दिक्कत है। तो अभी आपने देखा कि वेदांता और ताइवानीज कंपनी है चिप मेकर फॉक्सकॉन, उन्होंने
हमारे यहाँ पे इंडिया में गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का वादा किया है और कंस्ट्रक्शन शुरू भी हो गई है। एक्चुअली इस वेदांता वाले प्रोजेक्ट के लिए तो महाराष्ट्र गुजरात में जो है इश्यूज भी चल रहे हैं, शिंदे जी और जो बाल ठाकरे के जो सुपुत्र हैं उनके बीच में काफी गर्मा गर्मी भी चल रही है आजकल मीडिया में वेदांता कंपनी को लेकर। ऐसा माना जा रहा है कि पहले शिंदे जो है उनके साथ बातचीत हुआ था और वेदांता का प्लांट जो है महाराष्ट्र में था लेकिन वे गुजरात में चला गया है, तो पॉलिटिकल एंगल भी यहाँ पे बन रहा है। उसके अलावा $3 बिलियन का जो है कर्नाटका में, $3.5 बिलियन का जो है तमिलनाडु में भी कुछ कुछ प्लांट यहाँ पे निकले बनने शुरू हो गए हैं। तो शुरुआत तो हो गई है लेकिन यार इन टेक्नोलॉजी में समय लगता है। ताइवान को ये यहाँ इस लेवल पे पहुंचने में जो है 70 साल का समय लगा है, आज से नहीं है। वो थोड़ा 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 करके फिर 1980s के बाद में एकदम उन्होंने फुल ऑन फुल फ्लैज एकदम तरीके से चलना शुरू किया। समय लगता है ना, बहुत सारे चैलेंजेस हैं क्योंकि रिसोर्स इंटेंसिव इंडस्ट्री है ये, बहुत एक्सपेंसिव इंडस्ट्री भी है। $10 बिलियन में कुछ नहीं होता भाई, ये तो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। एक सिंपल प्लांट को बनाने में जो है $3-7 बिलियन का समय लग जाता है एक सेमीकंडक्टर की लैबोरेटरी को बनाने में, तो 10 बिलियन में क्या ही होगा, है ना। ये यहाँ पे बहुत बड़ी बात। तो ये पहली बात तो ये थोड़ा सा सपोर्ट हम लोग इसको जो और ज्यादा करना चाहिए सरकार को फंडिंग को लेके, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, जो सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग इंडस्ट्री होती है ना इसमें बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और अभी आम पानी नहीं भाई, ऐसी नहीं, अल्ट्रा प्योर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होती है सेमीकंडक्टर से। हल्की सी भी इंप्योरिटी आ गई ना समझ लो पूरी खत्म, अल्ट्रा प्योर वाटर। तो इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे ड्रॉट वाली सिचुएशन है, जहाँ पे पानी इतना कंटेमिनेटेड है, भैया आप इनको इतना साफ पानी कैसे प्रोवाइड करवाओगे, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत यहाँ पे डेफिनेटली होने वाली है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं चैलेंजेस के बारे में, ऑफकोर्स तो थोड़ा सा आप यहाँ पे इसको भी मेंशन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक आपको करवाता हूँ शिंजो अबे जी का। तो आपको पता है शिंजो अबे जी की डेथ हुई थी, अभी मोदी जी भी जा रहे हैं उनके फ्यूनरल पे, और वो स्टेट फ्यूनरल होने वाला है। स्टेट फ्यूनरल समझते हो ना, जो सरकार ऑर्गेनाइज करवाती है। तो दुनिया भर में 200 से 400 लीडर के लगभग आने वाले हैं जापान के अंदर, इंक्लूडिंग मोदी जी, कमला हैरिस भी आएंगी। लेकिन शिंजो अबे जो है ना वो उतने पॉपुलर नहीं है जापान में जितना जापान से बाहर लोगों को लगता है। जैसे हमें लगता है कि शिंजो अबे बहुत पॉपुलर लीडर रहे हैं, नहीं, जापान में नहीं है। इवन लोग सड़कों पे आ गए हैं जापान के अंदर और नारेबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि शिंजो अबे का जो फ्यूनरल है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं होना चाहिए। कम से कम आप ये समझ लीजिए कि $10-12 मिलियन का खर्चा होने वाला है उनके फ्यूनरल पे। लोग कह रहे हैं कि भाई ये हमारा पैसा है, तो टैक्स पेयर का पैसा है, आप उनके फ्यूनरल पे क्यों खर्चा कर रहे हो। सीधी सी बात, वैसे भी वो पॉपुलर लीडर वैसे भी नहीं थे, काफी बदनाम थे जापान के अंदर। तो उनका कहना है कि हम लोग एक तरफ जापान में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, उसके ऊपर आप $10-12 मिलियन जो है किसी स्टेट फ्यूनरल पे खर्चा कर रहे हो, वो भी अनपॉपुलर लीडर के ऊपर, तो हम ये नहीं होने देंगे। लेकिन आप सोच रहे हैं कि वो अनपॉपुलर है क्यों। देखिए कहीं ना कहीं ये चीज ना पूरी दुनिया में चलती है। आपने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ पे कितने बड़े बाबा होते हैं, है ना, कितने बड़े बाबा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी को हर्ट कर सकता है, बट इंडिया में कितने सारे कल्ट लीडर्स हैं, है ना, कितने सारी संस्थाएं हैं नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, उनके कितने सारे फॉलोवर्स होते हैं, लाखों करोड़ों फॉलोवर्स होते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका यूज करती है। हर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने 2-2, 4-4 बाबा लोगों को वो अपना फिक्स कर रखा है। तो जब भी इलेक्शन होते हैं तो उनके पैरों में जाके पड़ जाते हैं, अपने फॉलोवर्स को बोलते हैं कि भाई इस पार्टी को सपोर्ट करो, वो सपोर्ट होती है। जापान के अंदर भी कुछ कुछ ऐसा ही है। जापान के अंदर एक ऐसा ही कल्ट है जिसका नाम है यूनिफिकेशन चर्च, और ये काफी कंट्रोवर्शियल ग्रुप है, जैसे इंडिया में रहता है ना वो कल्ट ग्रुप जो रहते हैं, और शिंजो अबे जो है इसके फॉलोअर थे। और यही नहीं बल्कि शिंजो अबे की कैबिनेट के बहुत सारे मिनिस्टर जो है इसके फॉलोअर थे, और ये काफी कंट्रोवर्शियल है। और याद से नहीं, बहुत पहले समय से इसको बनाया गया था। इवन शिंजो अबे के जो ग्रैंड फादर थे वो भी इसको फॉलो करते थे, और काफी कंट्रोवर्शियल चीजों में रहता है ये जो ग्रुप है। वो मास मैरिजेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। इनका कहना है कि भैया मैरिज से पहले फिजिकल रिलेशन आपस में नहीं होना चाहिए, मैरिज बहुत प्योर चीज है। इवन ये जो ग्रुप है वो डोनेशन के बारे में बात करता है। जैसे हमारे बाबा होते हैं क्या करते हैं, धन दौलत लेके क्या करोगे, सब यहीं पे रह जाएगा, इसलिए धन दौलत जो है हमें दे दो, और बहुत सारे लोग अपनी कमाई हुई धन दौलत को जो है वो अपने बाबाओं को दान दे देते हैं, जैसा हमारे यहाँ पे होता है ऐसा वहां पे भी होता है। तो ये कहता है ये यूनिफिकेशन चर्च कि आपके दादाओं ने परदादाओं ने जो पाप किए हैं उन पाप को धोने के लिए आप जो है हमें दान दीजिए, डोनेशन दीजिए। तो मिलियंस ऑफ डॉलर का डोनेशन जो है इनको दिया जाता है। वो मतलब पैरेलल मेंशन कर सकते हो
तो उसकी वजह से थोड़े बदनाम थे वहां पे शिंजो अबे जी। उसके अलावा और भी कई सारी चीजें कंट्रोवर्शियल हुई हैं शिंजो अबे को लेकर जापान के अंदर। उन्होंने वहां की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ चेंजेस किए थे, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम लोग जापान की मिलिट्री को एक्सपेंड करेंगे। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जापान की कोई मिलिट्री नहीं है, वो ऑफेंसिव पर्पज के लिए नहीं है, सिर्फ डिफेंसिव पर्पज के लिए है। लेकिन शिंजो अबे ने मिलिट्री को एक्सपेंड करने की बात कही थी, तो आम लोग उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और भी कई सारी चीजें हैं जो वहां पे हुई थी और उनकी रेटिंग काफी डाउन चली गई थी, तो इसलिए जो है लोग थोड़ा सा गुस्से में हैं। और वहां के जो इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं किशिंदा जी, तो उनको लेके भी जो है काफी ज्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बहाने। तो वो सारी सारी चीजें हैं, थोड़ा सा आई होप आपको करवा। यूपीएससी के परस्पेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है आई डोंट नो, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं टू बी ऑनेस्ट, बट जो दुनियादारी में चीजें हो रही हैं मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा उसके बारे में पता होना चाहिए, राइट। चलिए एक और यहाँ पे आर्टिकल आता है हमारा एडिटोरियल, जो है कहता है पिचिंग इंडिया एज अ सिग्नेचर डेस्टिनेशन। तो हम लोग चाहते हैं कि इंडिया जो है एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है दुनिया भर में पॉपुलर होना चाहिए, दुनिया भर के टूरिस्ट भैया इंडिया में आएं, घूमें फिरें, हमारा कल्चर देखें और हमें डॉलर देके जाएं क्योंकि अल्टीमेटली तो यही है ना, पैसा देके जाएं, वो हमें पैसा देंगे तो चीज़ें इंप्रूव होंगी, है ना। इंडिया इज लाइक अ पुअर कंट्री, तो हमें पैसा चाहिए भाई, पैसा पैसा पैसा। तो ये न्यूज़ में देखिए, वैसे तो हमारे जो किशन रेड्डी जी हैं हमारे यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर हैं, तो इनका आर्टिकल लिखा हुआ ये, बट इस आर्टिकल में कुछ ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं है, ठीक है, जनरल आर्टिकल है। तो आई थॉट आपको करवा देता हूँ, ज्यादा पॉलिटिक्स वाला आर्टिकल होता है मैं आपको करवाता नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा बायस हो जाता है फिर वो कहीं ना कहीं। तो धर्मशाला के अंदर अभी बहुत सारे स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर जो है वो मिले बैठे, बातचीत किया उन्होंने, क्योंकि अभी 27 तारीख को जो है इंटरनेशनल टूरिज्म डे था। तो इन्होंने कहा कि भाई इंडिया में जो टूरिज्म है उसको कैसे हम लोग बेटर कर सकते हैं, कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 साल से तो कोविड ही चल रहा था, अगर कोविड की वजह से तो वैसे भी टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो गई थी दुनिया भर में, बट इंडिया में भी ऑफ कोर्स उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ। तो इसे कहा गया धर्मशाला डिक्लेरेशन। तो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि धर्मशाला डिक्लेरेशन किस चीज के बारे में है, तो आपको पता होना चाहिए टूरिज्म के बारे में है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इन्होंने यहाँ पे बात की शुरुआत की थी। फिर उन्होंने ये कहा कि भाई मतलब जैसे कोविड-19 की मैंने आपको बता दिया, सरकार ने थोड़े समय पहले जो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम भी चलाई थी, कुछ 1000 करोड़ रुपए का सरकार ने अलग अलग इंडस्ट्रीज को दिया था। और फिर हम लोगों ने 2022 के अंदर जो है नेशनल ड्राफ्ट टूरिज्म पॉलिसी भी चलाई थी, जिसमें टूरिज्म को इम्प्रूव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, वो सारी सारी चीज़ें करके उन्होंने यहाँ पे डाली हैं। उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि डिजिटलाइजेशन बढ़ाना है, इनोवेशन बढ़ाना है टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो सारी चीज़ें जैसे वीज़ा वगैरह अप्लाई करना हुआ है वो आसान तरीके से हो सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। और अभी इंडिया में G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आपको पता ही है, तो बहुत सारे लीडर जो है इंडिया में आने वाले हैं, 200 से ज्यादा मीटिंग इंडिया में होंगी अभी। तो ये इनका कहना है कि और ये अलग अलग सिटीज में होंगी, अभी तक 35 सिटीज को आइडेंटिफाई किया गया है अलग अलग मीटिंग्स के लिए। तो डेफिनेटली जब बाहर से लोग आएंगे तो हमारा कल्चर देखेंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, तो इंडिया में डेफिनेटली टूरिज्म इंप्रूव होने के डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस बनते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि भाई 2024 तक जो है $150 बिलियन जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है टूरिज्म इंडिया की इकोनॉमी में। और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, है ना, आम लोगों को रोजगार भी उससे मिलता है, ठीक है, और इंडिया के कल्चर लोग देखते हैं तो हमारा सॉफ्ट पावर भी जो है यहाँ पे इंक्रीज होता है। और 2030 तक जो है इंडिया की GDP जो है ग्रो करेगी 7-9%। तो ऑफ कोर्स आने वाले समय में टूरिज्म इंडिया में और ज़्यादा बढ़ेगा। ये तो हो गई इस आर्टिकल की बात, कुछ खास चीज़ें नहीं है, हल्की हल्की चीज़ें हैं, बट इस आर्टिकल से बाहर जो हमें पता होना चाहिए ये चीज़ जिस आर्टिकल में नहीं लिखा गया, मैंने अपनी तरफ से कंटेंट डाला है, टाइप्स ऑफ टूरिज्म। एक होता है रिक्रिएशनल टूरिज्म, ठीक है, रिक्रिएशनल टूरिज्म मतलब ये होता है कि भाई ऐश करनी है, फन करना है, चिल करना है, उसे रिक्रिएशनल टूरिज्म बोलते हैं। जैसे मान लो मेरा पढ़ाते पढ़ाते जो है बोर हो गया मैं, तो मैं कहाँ चला जाऊंगा, मैं मनाली चला जाऊंगा, वहाँ 2-4 दिन रहूंगा, आराम से घूमूंगा फिरूंगा, उसे रिक्रिएशनल कहते हैं। एक होता है एनवायरमेंटल टूरिज्म, जहाँ पे पोल्यूशन भरी जिंदगी, धुएं भरी जिंदगी से आप जो है आराम चाहते हो, तो आप हिमालय के पहाड़ों में चले जाते हो, है ना, रेस्ट करते हो पोल्यूशन फ्री एकदम, तो वो एनवायरमेंटल टूरिज्म बोलते हो। आप किसी नेशनल पार्क का टूर करके आ सकते हो, एनिमल्स को देख के आ सकते हो, वो सारी चीज़ें रहती हैं। हिस्टोरिकल टूरिज्म में आप जो है किसी हेरिटेज साइट में, टेम्पल्स चर्च वगैरह में आप जो है घूमने जाते हो। एथनिक टूरिज्म में जो है फिर आप जैसे मैरिज के परस्पेक्टिव से, जैसे बनारस लोग चले जाते हैं वो अस्थियां बहाने, हरिद्वार चले जाते हैं, है ना, कहीं पे जाके लोग मैरिज करने चले जाते हैं, तो वो एक एथनिक टूरिज्म टाइप का होता है। कल्चरल टूरिज्म में जैसे आप जो है लोकल लोगों के, जो इंडिजिनस लोग होते हैं, लोकल लोग होते हैं, उनका म्यूजिक, उनका आर्ट, ट्राइबल आर्ट्स वगैरह, वो सब देखने आप जाते हैं। और रिलीजियस टूरिज्म तो इट्स नो, हम लोग चार धाम की यात्रा वात्रा करने जाते हैं। तो दैट्स द होल थिंग अबाउट रिलीजियस टूरिज्म। तो ये है थोड़ा सा टाइप्स ऑफ टूरिज्म। इंडिया में कई सारे स्टेप्स सरकार ने लिए हुए हैं टूरिज्म को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे स्वदेश
दर्शन हमारे पास है, एक प्रसाद स्कीम हमारे पास है जिसमें हमारे जो भी रिलीजियस और पिलग्रिमेज साइट हैं वहाँ पे कॉरिडोर बनाते हैं, हम लोग उनको पैसा वैसा देते हैं, ठीक है। एक प्रसाद स्कीम काफी इंपॉर्टेंट भी है, और हुनर से रोजगार तक ये भी हमारे पास यहाँ पे है कि स्किल डेवलपमेंट देना है यूथ लोगों को, ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसको फंड किया गया है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं डेफिनेटली, ऑनलाइन वीजा देने की चाहे वो बात हो, ये सारी चीजें हैं। लेकिन टूरिज्म के बहुत सारे इश्यूज हैं यार इंडिया में टूरिज्म को लेके, है ना। और कुछ मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे समझ में आता है, थोड़ा आप मुझे बताएं कि सर ये प्रॉब्लम है टूरिज्म, टूरिस्ट जो लोग इंडिया, चाहे वो डोमेस्टिक टूरिज्म हो चाहे वो इंटरनेशनल टूरिज्म हो, मतलब अगर फॉरेन कंट्री से इंडिया में लोग आ रहे हैं, ये ना बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर उन चीजों को हम लोग दूर कर दें ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग काफी ज्यादा इंप्रूव चीजें कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है वो है सैनिटेशन, है ना भैया, बहुत गंदा है यार, बहुत गंदा है। आप ताजमहल चले जाओ, ताजमहल से सिर्फ आप 200 मीटर जाके देखिए, गंदगी गंदगी मिलेगी आपको, नालियां भरी हुई पड़ी हैं, है ना, कहीं कूड़े के कचरे के ढेर पड़े हैं, कहीं भी चले जाओ, ये सिर्फ आगरा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सैनिटेशन वाली समस्या बहुत ज्यादा है, बदबू आती है, कूड़ा कचरा बीमारी बुरे हाल, है ना, बहुत समस्या है। तो सैनिटेशन अगर आप दूर करेंगे तो आधा तो टूरिज्म वैसे भी बढ़ जाएगा। और एक बात और है ना, देखिए साइट इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो बिल्डिंग है ना, लोग जो होते हैं ना, ये एक्चुअली मेन चीज होती है लोग। और हमारे यहाँ पे क्या है, अब दिल्ली विल्ली में लाल किला वगैरह इधर कहीं चले जाइए कि वहां की जो लोकल मार्केट होती है, अरे भाई लोग आपकी बाजू पकड़ के खींच लेंगे जबरदस्ती, सामान खरीदो सामान खरीदो, एकदम ऐसे टूट के पड़ेंगे ना आपके ऊपर 10 लोग, और आप रेलवे स्टेशन से निकल के तो देखो 10 लोग आपके ऊपर सिर के ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे, सर मेरा ऑटो करा लो ऑटो करा लो, अरे बंदा डर जाएगा भाई, वो घूमने आया बेचारा, उसको आपने टेरिफाई कर दिया। ये भी बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। तो ये जो बिहेवियर है ना टूरिस्ट लोगों को लेके, यार ये भी बहुत समस्या है। ये दो चीजें मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं इंडिया में टूरिज्म के लेके। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑफकोर्स है ही, सड़कें खराब हैं, और जो एयरपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है लोकल एरियाज में, वो तो ऑफकोर्स हमारे यहाँ पे है ही, है ना। सेफ्टी भी एक कंसर्न हो सकता है ऑफकोर्स, लेकिन ये हम लोग टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे, ठीक है। सेफ्टी इतना बड़ा कंसर्न नहीं है जितना लोगों को लगता है, क्योंकि आप जब सोशल मीडिया न्यूज में पढ़ते हो तो एक लाख लोग अगर घूमने आए हैं, ठीक है, और उनमें से किसी एक आदमी के साथ भी गलत हो जाता है तो वो न्यूज में चलेगा ना, बाकी 90,999 लोग तो सेफ है ना। तो ये भी थोड़ा सा दिक्कत होती है, हम लोग कुछ एक आधा चीज ऐसी हो जाती है तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, हमें लगता है कि भैया सेफ्टी है ही नहीं देश में, जब न्यूज पेपर देखते हो तो ऐसा लगता है कि देश में आग लगी हुई है, लेकिन घर खोल के बाहर खिड़की से झांकते हैं तो लगता है सब ठीक तो चल रहा है यार। मैं खुद इतना ट्रैवल करता हूँ, दोस्त इतना ट्रैवल करते हैं, कभी किसी को कोई सेफ्टी वाला कंसर्न नहीं आया है, रात को 2 बजे 4 बजे कितने भी बजे, ठीक है, अपने को कभी सेफ्टी का कंसर्न नहीं आया है। तो सेफ है ऐसी बात नहीं है, बट ठीक है कभी कभार ऐसे केस हो जाते हैं तो वो भी एक इमेज खराब करते हैं, तो सेंसिटाइज करने की जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह इंप्रूव करने की जरूरत है डेफिनेटली, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं, आप बाकी आप खुद अपना इनपुट दीजिए, आप भी कभी घूमने गए होंगे अपना एक्सपीरियंस बताइए, और अगर हमने चीजें ऑब्जर्व की हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि टूरिज्म को लेके इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों आज यही था, कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं छोटे छोटे, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो यही था आज के लिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।